गुड इवनिंग दोस्तों, 5:30 हो रहा है और मैं अभी अपने छत पे हूँ, आई हूँ कुछ सामान लेने। तो अभी लेके मैं नीचे चलती हूँ और चलते हैं, देखते हैं आज क्या करते हैं, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा, अपना रूटीन जो भी है। और आज आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं हम परवल आलू की सब्ज़ी। परवल आलू की सब्ज़ी के लिए मुझे बहुत पहले कमेंट आया था, तो मैं अब बारी बारी सबकी रेसिपी दे रही हूँ, क्योंकि फिर कुछ टाइम बाद मुझे कुछ और वीडियो भी लाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले सबकी रेसिपी जो डिमांड की है लोग सारा दे दें, तो अभी हम उसका रेसिपी आप लोग को भी शेयर करेंगे। तो पहले हम लोग जो शाम का होता है स्नैक्स वो करते हैं, उसके बाद से आगे आप लोग को दिखाएंगे। तो इधर चना का दाल सूख रहा है, इधर कोंडौरी है, और कोंडौरी के लिए मुझे 2-3 वीडियो में कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज दिखाई देते हैं। कि मुझे जब कोंडौरी का सब्ज़ी मैं रेसिपी शेयर की उस वीडियो पे अब कमेंट आ रहा है, बहुत पुराना वीडियो है, कि दीदी कोंडौरी क्या होता है, दौरी क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ। देखिए यही कोंडौरी है जो कि चना दाल, उड़द दाल और मटर और तुअर दाल, सारा दाल मिक्स करके मशीन द्वारा पिसवा के, और जो भतुआ होता है पेठा उसको बोलते हैं, उसको मिला के बनता है। उसकी रेसिपी मैं शेयर की हूँ कैसे बनता है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर ना मिले तो हम नीचे नीचे कमेंट में लिंक दे देंगे, पिन कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा कोंडौरी कैसे बनता है। तो इसको दाल बड़ी भी कहते हैं, तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, बरसात में खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि चलो आज दिखा देते हैं, मम्मी धूप में डालिए, क्योंकि इसको कुछ टाइम पर धूप में दिखाना रहता है वरना ख़राब हो जाएगा। तो अभी नीचे चलते इसको लेके, और इधर हम छान रहे हैं कुछ जो चावल के मुरमुरे हैं, इसको हम लोग अभी खाएंगे, किसके साथ दिखाएंगे आप लोग को शाम का जो भी नाश्ता है हल्का फुल्का। तो आज चाय नहीं शाम में हम लोग पीने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत भयानक वाली मेरी तरफ पड़ रही है, चाय तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा है। वैसे हरीश को तो मन कर रहा है, पर नहीं, आज हम मंगाए कोल्ड ड्रिंक, तो आज हम लोग पियेंगे कोल्ड ड्रिंक के साथ। और हम लोग आलू बॉयल होने के लिए जिसे सीटी लगाना बाकी है अभी, और गर्मी में चाय एकदम से अच्छा नहीं है। नहीं, और कोल्ड ड्रिंक मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम लोग नहीं पीते हैं। आप लोग ब्लॉग में देखते हैं, हम लोग कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, पर कभी काल चलता है, गर्मी बहुत ज़्यादा। हम लोग हरी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था दोपहर में, जो नहीं दो पैसा लाएंगे तो सोचे कि शाम को पीना, दोपहर में नहीं तो ला दिया है, तभी उसी की खाने के लिए हम छान रहे हैं। लेके खा रहे हो? मस्त बोले थोड़ा मेरा मदीजे छान लिया। तो इधर सारा छान के कम्प्लीट कर दिए, इधर आलू बॉयल हो रहा है, तो इसको भी बाद में बनाएंगे, सोचे जब तक हम लोग नाश्ता करेंगे शाम का स्नैक्स, तब तक हमारा आलू भी बॉयल हो जाएगा। इसमें डालेंगे 2-3 चुटकी चाट मसाले, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेस्ट आएंगे। और इधर ले लिए 2 पैकेट चिप्स, इससे खाने में बहुत मज़ा आता है, तो सारा मिक्स करके हम लोग खाएंगे। तभी चलते हैं छत पे, इधर पूरे इंजॉय के साथ। हाँ, फुल इंजॉय के साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं सबके लिए। वाह, छत पे बहुत ही ठंडी वाली हवा आ रही है, एकदम मस्त शाम का टाइम हो गया है, और इधर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक और चिप्स। इसको चाय चाहिए, कितना चाय पियोगे? और डाली बोलो कुछ, बहुत मस्त है। बोलती नहीं हो, सब लोग कहते हैं हमको। और हरीश, वेरी नाइस, बहुत लग रहा है। अम्मी जी को तो ये वाला नहीं पसंद है, बोला करो। अच्छा लग रहा है जी? हाँ अच्छा है। माजा उसको पसंद, माजा इसको ड्यू, इसको स्प्राइट, इसको थम्सअप, हमको कोकोला। कोकोला थम्सअप एक ही होता है? नहीं, एक नहीं होता, कोकोला पिज्जा के साथ बहुत अच्छा लगता है, दही के साथ अच्छा नहीं लगता है। गाना निकला सुने ना? नहीं, कौन सा गाना? ले ले आई कोको कोला के साथ लाल का अब के। सब लोग कोल्ड ड्रिंक चिप्स एंजॉय कर रहे हैं, हम भी जल्दी एंजॉय करते हैं, वरना हम पीछे रह जाएंगे और गप्पे लड़ाएंगे हम लोग, फिर चलेंगे खाना बनाएंगे। तो ये लोग कोल्ड ड्रिंक और चिप्स एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, हम भी जल्दी एंजॉय करते हैं और खाना जल्दी बनाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत भयानक वाली। फिर हम लोग छत पर आकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, मतलब हवा खाएंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी खाना भी बना लेंगे, लेकिन खाएंगे लेट से।
बहुत शेयर कर करके खा रहे हो। दे दो अम्मी कठो चिप्स का साथ अच्छा लग रहा जी। चिप्स चिप्स होता है यार, इससे तो चिप्स बढ़िया नहीं है। हाँ इसी पे काम मिल जाए। मुरमुरे मुरमुरे नहीं चाय। चाय नहीं चाहिए पनीर सा कर दोगे इस तरह एक बार देखो ऐसा। गाय बोल रही है जाओ नीचे जल्दी। A few minutes later. तो अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी लिए हैं और थोड़ा रेस्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सोचे हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट खाना भी बन जाए। तो अभी दीदी लग गई है खाना बनाने की तैयारी में। तो अभी आज क्या बना रही हो जी? आज परवल की सब्जी बना रहे हैं। सूखी नहीं, ग्रेवी वाली। ग्रेवी वाली आप परवल का सब्जी? कमेंट आया था परवल की सब्जी के लिए, बहुत पहले आया था, मतलब कुछ दिन हो गया, हमने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। आप परवल का सब्जी तो बहुत फेवरेट है हमारा। दोस्तों देखिए मैं काफ़ी दिन से सबकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मुझे फिर भी कमेंट आता है कि मतलब मुझे कमेंट आता है जो लोग नहीं मेरी पुरानी वीडियो देखे हैं वो कहते हैं दीदी ये रेसिपी दीजिए वो रेसिपी दीजिए। तो मैं कोई कोई रेसिपी तो नहीं शेयर की हूँ जो कि मैं दूंगी बारी बारी, कोई कोई रेसिपी मैं शेयर कर दी हूँ। तो आप लोग अगर कोई रेसिपी देखनी हो तो एक बार प्लीज़ मेरे चैनल में जाके आप लोग सर्च कीजिएगा विलेज लाइफ स्टाइल ब्लॉग 04 और जो भी रेसिपी होगा आगे लिख दीजिएगा तो पहले पे ही मेरा वीडियो आ जाएगा। तो इधर हम ले लिए हैं परवल आधा किलो था, काट लिए धुल के। इधर प्याज ले लिए हैं दो बड़े साइज के। इधर हम ले लिए हैं अदरक लहसुन जिसको पीसना है और ये होममेड गरम मसाला इसको भी पीसा जाएगा। चाहते तो ऊपर से भी डाल देते पर पीसा हुआ अच्छा ज़्यादा टेस्टी लगता है तो भी डाले पीस लेती है। इधर आलू बॉयल करके कट कर लिए हैं। इधर सरसों का तेल ले लिए, गरम हो गया, पहले हम परवल को फ्राई करेंगे। इधर परवल कितने अच्छे से फ्राई हो गया है, कोटिंग हो गया अच्छे से। बॉयल किया हुआ आलू इसको भी डालेंगे इसी में, इसको भी दो मिनट फ्राई करेंगे इसके साथ। और दिल्ली में बॉयल करके और फ्राई करके बनाने में जो टेस्ट आता है बिल्कुल अलग ही आता है। अभी हम डालेंगे 2-3 चुटकी नमक क्योंकि सब्जी में ग्रेवी में भी हम डालेंगे, इसी हिसाब से हम डालना है 2 चुटकी हल्दी। लेकिन खुशबू तो अभी भी एकदम मस्त ही आ रही है। इधर ले लिए कुकर में सरसों का तेल। इधर ले लिए कुछ मसाले जिसमें है थोड़ा सा जीरा, 2 सूखी मिर्ची, 1 दालचीनी, 2 छोटी इलायची, जावित्री बस और 1 तेज़पत्ता। सारे को डालेंगे, जीरा फूट गया और प्याज डाल देंगे। इधर फ्राई हो गया, गैस बंद करेंगे, प्याज भूनेंगे। इधर ये अदरक लहसुन और गरम मसाला का पेस्ट है, 1 टमाटर जिसे घिस लिए थे कद्दूकस से, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, टेस्ट का अनुसार नमक, नमक हम 2 चुटकी सब्जी में भी डाले थे आलू में इसलिए टेस्ट का अनुसार नमक। ये सारे को अच्छे से भूनेंगे। 5 मिनट हो गया, मसाले भून गया, तेल अलग हो गया मसाले से, खुशबू जबरदस्त आ रही है। फ्राई किया हुआ आलू परवल डालेंगे। सबको मसाले साथ अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट और भुनेंगे मसाले साथ सब्जी को। यार ये सब्जी जितना टेस्ट लगेगा खाने में टेस्टी होगा उतना तो कोई सब्जी नहीं लगेगा क्योंकि इसको देखकर हमको अंदाजा लग गया है। इतना मस्त लग रहा है, जैसे ये जिस तरीके से ये बन रहा है उस तरीके से देखने में तो वैसे ही लग जा रहा है कि हाँ गजब होगा। तो सब्जी इधर भून गया है, अब इसमें हम डाल देंगे 2 कटोरी पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे 2 कटोरी क्योंकि परवल भी फ्राई है आलू बॉयल है और बस 2 सीटी लगा देंगे सब्जी रेडी। तो चावल बना रही है इसके साथ ही रोटी आखा जा रहा है सामने और लास्ट में थोड़ा सा चावल रखेंगे। बस 2 ही सीटी लगेगा। हाँ बस 2 सीटी। अब इधर सब्जी बना, इधर फटाफट से हम आटा लगा लेते हैं।
साथ ही साथ ये भी हो जाए काम, बस चावल रखना रहेगा। बस चावल लास्ट में बनाएंगे। तो चावल में तो कोई काम नहीं होता है, इसको धुल के बस रखेंगे। बस धुल के रख देना है। वो कितना सीटी, एक से दो सीटी देता है ना? एक से दो सीटी मिल जाएगा। साथ रहते रहते उधर सब लोग बातें कर रहे हैं हवा में, हम इधर गर्मी में खाना बना रहे थे। भी लोग कहते हैं सारा काम डॉली ही करती है, क्या करें, कैमरे हम कम आते हैं, डॉली ज़्यादा आती है। लेकिन बाहर बहुत ठंडा है, अंदर तो इतनी गर्मी है कि मत पूछिए। बाहर हवा बहुत ठंडी चली है, यहाँ पे भले ही कूलर में है मेरा किचन, लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है। जैसे इधर से हवा आ रहा है तो इधर से हवा पास करना भी चाहिए ना, लेकिन चारों तरफ से घेरा हुआ है और एकदम पसीने से एकदम भींग गई है दीदी। देखा जाए जी, फटाफट से बनाते हैं खाना। एक बार देख लो इधर, एकदम पूरा गर्मी से, अभी कैमरे में उतना सही कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन एकदम पूरा गर्मी से। काम खत्म है, सब्जी हो ही जाएगा दो सीटी में, आटा लगाई दी है, डोरी रोटी बना लेगी, हम चावल रख देंगे, बस खाना खत्म, बनती रेडी सारा खाना। उसके बाद से हम लोग चलेंगे छत पे, थोड़ा टहलेंगे, हवा खाएंगे। इधर डोली आ गई है फटाफट से रोटियाँ बनाने, चावल सब्जी बन गया है, इधर रोटी रख दी है बनने के लिए, तो अभी डॉली रोटी बना लेती है, फिर चलेंगे हम लोग छत पे। रात अभी शाम हो गई, एकदम रात होने वाला है और जल्दी खाना बन जाएगा, जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो इधर आलू परवल की सब्जी कितना मस्त हुआ है, एकदम लग रहा है शादी वाला सब्जी है, खुशबू तो जस्ट वैसे ही आ रही है। अभी खाना निकालते हैं। मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब हो गया है तो खाना नहीं खाएगी, उसको रस बना के दे दिया, नींबू पानी पी के लेटी है और दवा दे दिए हैं दोस्तों, थोड़ा तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। और हरीश थोड़ा गया है दवा लेने मम्मी के लिए, तो भी नहीं है, तो इधर ही लोग खाना खा रहे हैं, रात ज़्यादा हो गया है। और बताओ अनु, परवल आलू की सब्जी कैसा हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है, मस्त लग रहा ना, खुशबू एकदम लग रहा है जैसे शादी में नहीं बनता सब्जी, उस मॉडल का आ रही है, हाँ भंडारे वाली का। लेकिन लहसुन प्याज उसमें नहीं पड़ता, इसमें पड़ा है। डॉली तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, तुमको इतना भर भर कमेंट आ रहा है, डॉली बोलती नहीं, बोलो जी क्या बोलती रही हो, वीडियो में बोलती हो बस कम। दोस्तों वीडियो के साथ मतलब वीडियो में सब लोग नहीं बोल के कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। और क्या बोलना चाहिए, क्या बोला वैसे बोलो, कुछ हाल चाल पूछो दोस्तों से। और क्या तुमसे, तुमको सब लोग, तुम तो अब कमेंट भी पढ़ रही हो मम्मी मोबाइल में वीडियो देख के कि कौन क्या कमेंट कर रहा है फिर भी। और अनूप सोचती है क्या बोला जाए, हाँ बोलते बोलते आदत पड़ेगी, हम लोग भी तो शुरू में स्टार्टिंग वीडियो उठाई दोस्तों, हम लोग भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। कैसे लग रहा चावल के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त। तो दोस्तों ये जो खाना खा रहे हैं, हम भी चलते खाना खाते, मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय बाय।